ओके वेलकम टू सीज़न सिक्स एपिसोड वन ऑफ नंबर थ्योरी मास्टर क्लास आराम से लिखते हैं पूरा नंबर थ्योरी मास्टर क्लास ठीक है सीजन सिक्स तक पहुंच गए आई थिंक फाइव स्टार्स ऑलरेडी तुम्हें मिल चुके हैं लेट्स डू दिस लेट्स डू दिस वन मोर सीज़न सो जानबूझ के पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग रखा हुआ है लेट्स नहीं बाकी सारे भी इंटरेस्टिंग होंगे सो या द क्वेश्चन इज लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर ठीक है ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में हम बस पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं कह रहे हैं अच्छा स्टेटमेंट है यहाँ पर कह रहा है इफ़ दिस थिंग इज एन इंटीजर ये एन का फंक्शन होगा कुछ इफ दिस थिंग इज एन इंटीजर अगर गलती से इंटीजर हुआ तो इफ दिस थिंग इज एन इंटीजर देन इट इज अ स्क्वा ठीक है ये कह रहा है यहाँ तो वैल्यू इंटीजर नहीं होगी फ्रैक्शन होगी रूट में आएगी वट एवर बट अगर इंटीजर हुई तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा एंड दिस थिंग इज इसको अलग कलर्स लिखता हूँ मैं दिस थिंग इज टू प्लस टू टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ तो फ्रैक्शन नहीं होगी स्क्वायर रूट में आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी एट एन स्क्वायर प्लस वन तो ये कह रहा है एन के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी इंटीजर्स uh, नहीं होंगी कुछ वैल्यूज़ बट जो भी वैल्यूज़ इंटीजर होंगी इस चीज़ की वट एवर दिस इज़ एन इंटीजर इट वॉन्ट बी अ नॉर्मल इंटीजर सिंपल इंटीजर नहीं होगा इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर जैसे एक दो वैल्यूज डाल के देखते हैं अगर एन को मैं वन डालता हूँ सो दिस इज ट्वेंटी एट प्लस वन यानी कि ट्वेंटी नाइन दिस इज टू प्लस टू रूट ट्वेंटी नाइन दिस इज नॉट इन इंटीचर एन की वैल्यू टू डालते हैं फिफ्टी सिक्स प्लस वन फिफ्टी सेवन टू प्लस टू रूट फिफ्टी सेवन दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर अगेन यू कैन ट्राई एन की किस वैल्यू के लिए इंटीजर होगा हिडन uh, ट्रायल से तो कर ही सकते हैं बट दैट्स नॉट द प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि जब भी ये इंटीजर होगा तब ये परफेक्ट कर होगा दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन सीजन सिक्स है सो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस सो पॉज द वीडियो थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट हाउ डू यू प्रूव दैट वेन एवर दिस थिंग इज एन इंटीजर इट विल बी ए परफेक्ट स्क्वेर ठीक है तो लेट्स डू इट टूगेदर इसको इंटीजियर होने के लिए इसको इंटीजर होने के लिए इसके स्क्र रूट को इंटीच स्क्र रूट को परफेक्ट्स कर होना पड़ेगा स्क्वायर रूट के अंदर सॉरी स्क्वेयर रूट के अंदर जो है उसे परफेक्ट्स कर होना पड़ेगा तभी इंटीजर होगा दैट स्टेप वन ठीक है तो वट एल से इस कि भाई देखो जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो वेन यू वॉन्ट दिस टू बी एन इंटीजर अच्छा मानना है कुछ तो मान लेते हैं लेट दिस बी एन इंटीजर ए मान लेते हैं दिस इज एन इंटीजर दिस इज एन इंटीजर ए ठीक है तो अगर ये ए है तो आई गेट एन इक्वेशन टू प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी एट एन स्क्वायर प्लस वन इक्व टू ए थोड़ा मैं रीअरेंज कर सकता हूँ आई कैन राइट दिस टू हेयर ए माइनस टू और अब यहाँ लेफ्ट साइड रूट है और यहाँ ए माइनस टू है तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ ठीक है मैं बेसिकली निकालना चाह रहा हूँ कि एन और ए में क्या रिलेशन है सो आई एम स्क्वेयरिंग दिस अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा दिस इज़ गोइंग टू गिव मी फोर और ये मुझे देगा a माइनस टू का स्क्वायर ठीक है एक्सपैंड um, करते हैं दिस इज फोर टाइम्स इसको ही रहने देते हैं इसको एक्सपैंड करते हैं a माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फोर माइनस माइनस फोर ए ठीक है न लेट्स थिंक अबाउट दिस ए के बारे में कुछ क्लू मिलता है हमें यहाँ पर वट इज़ एज इवन ऑड प्राइम क्या हो सकता है ए मेरा अगर इंटीजर है तो लुक एट दिस दिस इज इवन ये बहुत मिलेगा तुम्हें दिस इज इवन दिस इज इवन दिस इज इवन इवन सट्स अप्राक्ट हो रहे हैं तो दिस दिस शुड ऑल्सो भी इवन अगर ये ऑड हुआ तो कहानी अटक जाएगी ऑड प्लस इवन 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 नहीं देता सो बिकॉज एवरी वन एल्स इज इवन मैं बोल सकता हूँ दिस इज ऑल्सो इवन तो यह मुझे पहला क्लू मिलता है मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कहानी को इफ ए इज़ एन इंटीजर तो मैं बोल सकता हूँ ए इज़ इवन ठीक है यहाँ मुझे पता लग गया ए मेरा इवन है धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करेंगे आ, अगर ए इवन है अभी परफेक्ट स्क्वायर तक नहीं पहुँचे अगर ए इवन है तो वह मैं, मैं इसको मान सकता हूँ लेट्स ए इक्वल्स टू टू बी बी इज ऑल्सो एन इंटीजर किसी बी इंटीजर के लिए ए की वैल्यू टू बी हो जाएगी और जैसे ये मिला नाउ लेट्स फिगर आउट अब बी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं लेट्स फिगर आउट व्हाट बी इज़ तो अगर ए मेरा टू बी है तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस एज टू बी का स्क्वायर यानी कि फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए यानी कि माइनस एट बी ओके okay. पूरी इक्वेशन में फोर से डिवाइड कर सकता हूँ लेट सिंप्लीफाई दिस इज काट ही लेते हैं दिस यहाँ से ये फोर कट जाएगा लिख लेता हूँ दिस इज बी स्क्वायर दिस इज वन एंड दिस इज दिस इज टू बी दिस इज टू बी ओके साफ हो गया थोड़ा सा प्लस वन यहाँ से मैं काट सकता हूँ ये ब्रैकेट हट चुकी है प्लस वन और प्लस वन यहाँ से कट गए वट आई नाउ हैव इज ट्वेंटी एट एन स्क्वायर थोड़ा बड़ा लिखते हैं वट आई नाउ हैव इज ट्वेंटी एट एन स्क्र इक्वल टू बी स्क् माइनस टू बीस पास सॉरी माइनस टू बी ठीक है बी के बारे में बात कर रहे हैं बी और एन में रिलेशन निकाल रहे हैं वट कैन बी से अबाउट बी थिंक अबाउट इट सेम लॉजिक अगर ये इवन है ये इवन है देखो एन ऑड हो इवेंट से फर्क नहीं पड़ता ट्वेंटी एट पूरे को इवन बना देगा अगर ये इवन है ये इवन है ये टू इसको इवन बना देगा तो बी ऑल्सो हैज टू तो बी इवन तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि बी इज इवन तो यहाँ मैं लिखता हूँ बी इज़ इवेन तो अब बी को एज्यूम करते हैं लेट्स टाइव डी पर मान लेते हैं बी इज़ इक्वल टू तो टू सी ठीक है यहाँ लेफ़्ट साइड ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही लेफ्ट साइड चीज़ें टूटती जा रही हैं हम यहाँ से शुरू कर रहे थे वी आर डाउन तो टू समथिंग ट्वेंटी एट एन स्क्वायर तक पहुँच चुके हैं इसके एकदम रूट तक पहुँच चुके हैं सो लेट्स अगर अलग कलर से लिखते हैं बी को लेट दिस बी इज़ इक्वल टू टू सी अब देखते हैं क्या होता है सो so, अगर बी टू सी के बराबर है तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ फोर सी स्क्वा माइनस टू भी हो जाएगा माइनस फोर सी फोर कॉमन लेके काट देते हैं दिस इज गोइंग टू गिव मी सेवन एंड यहाँ से फोर कट जाएगा और यहाँ से फोर कट जाएगा दिस इज़ गोइंग टू गेमी सी स्क्वायर माइनस सी वेरी सिंपल सिंपलर चलो सिंपलर इक्वेशन लेफ्ट साइड इज सेवन स्क्वायर राइट राइट साइड इज सी स्क्वायर माइनस सी पिछले पांच सीजन में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं थोड़ी थोड़ी हर क्वेश्चन में यूज होंगी दिस इज सी स्क्वायर माइनस सी इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज सी दिस इज सी टाइम्स सी माइनस वन इसके आगे सोचते हैं थोड़ा सा लेट्स थिंक अबाउट दिस राइट हैंड साइड कुछ कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है सी और सी माइनस वन ओके तो सी और सी माइनस वन आर आई थिंक पिछले सीजन में देखा थे एक दो क्वेश्चन ऐसे दिस टू वर को प्राइम नंबर्स को प्राइम बेसिकली इज अ फैंसी वर्ड ऑफ सेइंग इसमें नथिंग इज कॉमन नथिंग इज कॉमन दो कंसेक्यूटिव नंबर लोगे ना दोनों इवन होंगे ना दोनों थ्री के मल्टीपल होंगे ना दोनों फोर के मल्टीपल होंगे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा दे आर को प्राइम सो इफ दे आर को प्राइम सेवन एन स्क्वायर का बंटवारा कैसे होगा भाई हमें तो सेवन एन स्क्वायर बनाना है ना मल्टीप्लाई करके इन दोनों को तो सेवन एन स्क्वायर का बंटवारा कैसे होगा भाई एक सिंपल तरीका हो सकता है कि वन ऑफ देम कुड भी सेवन द अदर वन कुड भी एंड स्क्वायर बट क्योंकि दोनों कंजिक्यूटिव हैं तो अगर एक नंबर सेवन है तो उसके बगल वाला नंबर या तो एट होगा या सिक्स होगा एंड नन ऑफ देम आर परफेक्ट स्क्वायर्स तो ऐसे तो बटवारा नहीं होगा नन ऑफ देम कैन भी सेवन आप क्या करें रुक जाएं कहानी ख़त्म कर दें और थोड़ा और सोचें थोड़ा तो और सोच सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है भाई ये भी तो टूट सकता है दिस कुड बी दिस कोड बी अ प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायेयर्स भाई अगर सेवन इंटू टू स्क्वायेर होता तो प्रॉब्लम होती बट अगर एन स्क्वायर मेरा लट से एन अच्छा सा नंबर लेता हूँ एन एज थर्टी थर्टी स्क्वायर तो इसको मैं आराम से तोड़ सकता हूँ ना सेवन इंटू थर्टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेवन इंटू टेन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर अब तो तुम चीज़ें उठा सकते हो इसमें से तो चीज़ें उठा सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई तो वट आई एम सेग इज एन स्क्वायर को मान लेते हैं यह है एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर हाँ ऐसे मान लेते हैं एन जो है हमारा कंपोजिट नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो अब इन तीन चीजों को तोड़ना है सेवन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनको इनके पास भेजना है सी सी माइनस वन को कैसे भेजेंगे बिना तोड़े बात नहीं बन रही थी मैं ये बोल रहा हूँ अगर बिना अगर तोड़ना नहीं था तो वन ऑफ देम है और दूसरे नंबर को प्रॉफिट स्क्वायर होना था सेवन के बगल में कोई प्रॉफिट स्क्वायर नहीं है सो हो क्लियरली एन स्क्वेयर हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन तो एन स्क्वायर टूटेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में अब क्या हो सकता है uh, किसी एक के पास ये दोनों चले जाएँ मान लो सेवन और एक्स स्क्वायर चले जाएँ और किसी दूसरे के पास वाई स्क्वायर चला जाए ऐसा हो सकता है या फिर उल्टा कर लो किसी एक के पास स्क्वायर चला जाए दूसरे के पास सेवन इंटू वाई स्क्वायर चला जाए ऐसे हो सकता है तो लेट्स मेक केसेस लेट लेमी लेमी राइट केस वन हेयर केस वन हो जाएगा मान लेते हैं सी जो है वो हमारा सेवन एक्स स्क्वायर है और सी माइनस वन ये हमारा वाई स्क्वायर है और केस टू यहाँ लिखता हूँ मैं केस टू अंडरलाइन कर लेते हैं मान लेते हैं सी है मेरा एक्स स्क्वायर और सी माइनस वन है मेरा सेवन वाई स्क्वायर ठीक है इस तरह मैंने बांट लिया और देखते हैं कहाँ का फिजिबिलिटी है कहाँ का नहीं है लेट्स लोकेट दिस वन Uh, कौन सा कर लो ग्रीन लेते हैं ग्रीन यूज हो चुका ये वाला लेते हैं लेट्स लुक एट दिस टू ये दोनों अगर कंजीक्यूटिव हैं सेवन एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज वन लेस देन दिस सेवन एक्स स्क्वायर तो मैं बोल सकता हूँ सेवन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन ठीक है इज दिस पॉसिबल मेरा क्वेश्चन ये इज दिस पॉसिबल सोचो इज इज सेवर पॉसिबल क्या एक्स और वाई ऐसे कोई इंटीजर मिलेंगे जिसमें तुम्हें सेवन एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर वन मिल जाए जगह कम हम जा रही है सो आई री कॉल इसमें हम वो रिमाइंडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं सो इफ आई रीअरेंज सेवन एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर प्लस वन भाई लेफ्ट साइड रिमाइंडर जीरो है वेन यू डिवाइड बाई सेवन राइट साइड भी रिमाइंडर जीरो होना चाहिए वैन यू डिवाइड बाय सेवन तो वाई के बारे में सोचते हैं वाई कु एनी ऑफ दीज नंबर्स सेवन के प्लस वन सेवन के प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर थोड़ा नीटली लिखते हैं सेवन के प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन लिखूँ प्लस ज़ीरो लिखूँ नहीं इफ वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ सेवन दिस विल नॉट वर्क क्योंकि सेवन का मल्टीपल लेफ्ट साइड है तो राइट साइड सेवन का मल्टीपल प्लस वन नहीं हो सकता सो वाई कैन बी ऑफ दिस सिक्स फॉर्म्स अब अगर मैं स्क्यर करता हूँ तो लेट्स सी क्या रिमाइंडर आता है इफ़ आई स्क्वायर दिस सेवन के प्लस वन तो रिमाइंडर क्या देगा रिमाइंडर देगा वन यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो रिमाइंडर क्या देगा अब यहाँ तक आई एम रेज्यूमिंग कि तुमने अगर पहले पाँच सीजन दिन देखें तो तुम्हें तो समझ में आ जाएगा दिस विल गिव रिमाइंडर फोर टू स्क्वायेयर फोर होता है दिस विल गिव रिमाइंडर नाइन नाइन हो जाएगा तो टू दे देगा तो वन फोर और टू फोर यानी कि सिक्सटीन सिक्सटीन रिमाइंडर देगा टू फाइव यानी कि ट्वेंटी फाइव यह देगा रिमाइंडर फोर ट्वेंटी वन से आता है सिक्स हो गया थर्टी सिक्स तो थर्टी फाइव प्लस वन दिस विल गिव रिमांडर वन लेट्स लुक एट दिस रिमाइंडर्स सारे पॉसिबल केसेस में अच्छा चलो तुम्हें जीरो भी लेना है मान लेते हैं अगर सेवन के प्लस जीरो ने तो जीरो भी ले लो जीरो इज ऑल्सो रिमाइंडर विच वी प्रूफ्ड कि नहीं होगा बट कोई बात नहीं दीज आर ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स ज़ीरो वन टू और फोर किसी भी नंबर को तुम स्क्वेयर करते हो तो और उसको डिवाइड करते हो सेवन से तो द रिमाइंडर्स दैट यू गेट आर ज़ीरो वन टू एंड फोर इसमें अगर तुम वन ऐड करोगे तो तुम्हारे रिमाइंडर्स आ जाएंगे वन टू थ्री और फाइव वन टू थ्री और फाइव नान ऑफ दैम अ जीरो यानी कि नान ऑफ दैम डिविजल बाय सेवन जीरो वन टू और फोर में किसी में भी तुम वन ऐड करोगे यू विल नेवर गेट अ मल्टीपल ऑफ सेवन तो कहानी कुछ इस तरह से है कि लेफ़्ट साइड इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ सेवन एंड राइट साइड इज़ नेवर अ मल्टीपल ऑफ सेवन किसी भी नंबर के स्क्वायर को वन से ऐड में वन ऐड करोगे यू विल नेवर गेट अ मल्टीपल ऑफ सेवन वी जस्ट प्रूफ्ड, सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई दिस इज दिस इज अ डील ब्रेकर दिस इज नॉट पॉसिबल दिस इज नॉट पॉसिबल ये वाला जो केस है ना कि सेवन एक्स स्क्वायर बड़ा नंबर है और वाई uh, स्क्वायर छोटा नंबर है दिस इज नॉट पॉसिबल सी सी माइनस हो इन कंजिक्यूटिव में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा दिस इज नॉट पॉसिबल यहाँ क्रॉस लगा देते हैं वॉट अबाउट दिस यहां पर बात करते हैं अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दिस इज द ओनली पॉसिबल केस यही एक केस बचता है इस केस में हमारा सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और सी माइनस वन इज सेवन वाई स्क्वायर अब इसके आगे मैं अगर सॉल्व करूंगा तो हो सकता है मुझे सोल्यूशन मिले हो सकता है मुझे ना मिले बट लेट्स लेट्स पॉज एंड थिंक अबाउट इट क्या हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है सोचो इट्स अ गुड वन एक केस हमने रिजेक्ट कर लिया दूसरा केस कहता है सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिस इज द ओनली पॉसिबल रूट लेफ्ट इससे पहले हम आंसर निकालें कि कौन सी वैल्यू के लिए ये हो रहा है फिट कहाँ कहाँ इंटीजर आ रहा है कहाँ प्रॉफिट स्कूर आ रहा है uh, मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज दिस इज द ओनली केस लेफ्ट आई कैन से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है थिंक अबाउट इट सोचो अगर ये मेरा ओनली केस लेफ्ट है तो दो ही तरीके होंगे यहाँ तो यहाँ सोल्यूशन मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा इस केस में नहीं मिलेगा तो मतलब इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं तो ये वे लेकर जो कंडीशन है कि इफ दिस इज एन इंटीजर हम बोल रहे हैं कि कभी इंटीजर होगा ही नहीं तो वो देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो हम दिस ड मेक सेंस एनी मोर वी डोंट हैव टू डू एनी थिंग अबाउट इट दिस इज नेवर एन इंटीचर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर इसका सोल्यूशन है जो कि शायद है दैट सेट्स वॉर दे बींग सो स्पेसिफिक अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो इसी रूट से आएगा सी इक्व टू एक्स रूट से आएगा दिस मीन्स आई नो समथिंग मोर अबाउट सी हेयर आई नो समथिंग फिक्स्ड अबाउट सी है दैट सी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इसको अगर मैं इससे कनेक्ट करूँ यहाँ पर मेरे को ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी लुक एट दिस अगर सी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि सी सेवन एक्स स्क्वायर तो नहीं है सो सी सी कैन ओनली बी अ परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है तो अगर सी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है सी इज़ एक्स स्क्र तो बी हो जाएगा मेरा टू सी यानी कि टू टाइम्स टू टाइम्स एक्स स्क्वायर और ए हो जाएगा मेरा टू बी चेंज द कलर यानी कि टू टाइम्स टू फोर फोर टाइम्स एक्स स्क् विच कैन बी रिटन एज टू एक्स का होल स्क्वायर लुक एट दिस ये कह रहा है जब भी तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा तुम्हारा जो इंटीजर ए है दैट इज एक्चुअली अ स्क्वेयर ऑफ टू एक्स इट्स इट्स टू एक्स स्क्वायर यही तुम्हें प्रूव करना था कि जब भी इंटीजर होगा देन इट विल बी अ स्क्वायर जब भी यह सोल्यूशन आएगा देन ए इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायेर हेन्स सॉल्व सॉल्ड uh, समझ में आया तो तुम्हें लॉजिक लॉजिक ये है कि भाई देखो ये वाला डेड एंड है इसी केस में सोल्यूशन मिलेगा और अगर सोल्यूशन मिलेगा इसी केस में दिस मीन्स सी विल ऑलवेज बी एक्स स्क्वायेयर विच मीन्स ए विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर तो वही तो प्रूफ करना था कि इफ दिस इज एन इंटीजर हमने यहाँ से शुरू किया था कि दिस इज एन इंटीजर इंटीजर मान के रीअरेंज रे वगैरह करना शुरू किया था अब हमने प्रूफ कर दिया दैट दिस इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्र ये टू एक्स स्क्वायेर तो रहेगा ही तो, 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 तो हैंस तो, प्रूफ्ड अब सेटिस्फैक्शन एग्जाम्पल दो वैल्यू निकालो तो उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लेट्स सी व्हाट दिस इक्वेशन इज यहाँ पर हम एक है एक्सक्वायर एक सेवन वाई स्क्वायर दिस इज बिगर देन दिस सो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन थोड़ा रेअरेंज अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा सेवन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ये इधर चला गया इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन सो आई नीड अ मल्टीपल ऑफ सेवन विच इज़ वन लेस देन अ परफेक्ट स्क्वायर तो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग आई नीट मल्टीपल ऑफ सेवन विच इज वन लेस देन अ परफेक्ट स्क्वायर टू नहीं थ्री नहीं थ्री से देखते हैं थ्री हो जाएगा नाइन थ्री का स्क्वायर इज नाइन नाइन माइनस वन एट एट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ सेवन मैं ये कर रहा हूँ एक्चुअली एक्स की वैल्यूज प्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्री स्क्वायर माइनस वन डजन वर्क नाइन माइनस वन इज नॉट मल्टीपल ऑफ़ सेवन फोर स्क्वायर माइनस वन सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन डजन वर्क फाइव स्क्वायर माइनस वन फाइव स्क्वायर माइनस वन ट्वेंटी फाइव माइनस वन डजन वर्क सिक्स स्क्वायर माइनस वन वर्क्स सिक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया थर्टी फाइव थर्टी फाइव को सेवन से डिवाइड करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा फाइव वाई स्क्वायर इज फाइव कैन वाई स्क्वायर एवर बी फाइव नहीं देन दिस मीन्स वाई इज़ नॉट एन इंटीजर हमें तो इंटीजर की बात हुई थी वाई रूट फाइव तो होगा नहीं सो आई मीन दिस काइंड ऑफ वर्क बट इट 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 फॉर एक्स बट डजन वर्क फॉर वाई सो मैं बोल सकता हूँ इवन दिस ड वर्क सेवन स्क्वायर माइनस वन नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन सेवन सेवन है फोर्टी नाइन माइनस वन माइनस वन करोगे सेवन का मल्टीपल नहीं आएगा एट स्क्वायर माइनस वन एट इज सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर माइनस वन इज सिक्सटी थ्री आप दिस इज इंटरेस्टिंग इसको मिटाते लुक एट एक्स इक्वल्स टू एट वेन एक्स इक्वल्स टू एट ये हो जाएगा एट स्क्वाइनस वन यानी कि सिक्सटी थ्री और अगर मैं यहाँ पे सेवन से कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा नाइन विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर सो देर वी हैव इट वाई इक्व टू थ्री एंड एक्स इक्व टू एट इसमें प्लग इन चेक करते हैं अगर x मेरा 8 होगा तो c क्या होगा uh, c इज़ एक्स स्क्र यानी कि 64 तो मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ यहाँ पर c हो जाएगा मेरा 64 फोर दिस इज़ वन सोल्यूशन ऐसे और भी सोल्यूशन आ सकते थे मैं तो x इक्वल्स टू एट पर रुक गया तुम तो और काउंटिंग कर सकते हो यू कैन फाइंड मनी मोर सोल्यूशंस बट हमें फिर सिर्फ एक दिखाना है एग्जाम्पल के लिए um, हमारे कहानी प्रूव हो चुके हैं दिस इज़ वी आर डूइंग दिस फॉर सेटिस्फैक्शन सी है मेरा 64 इफ़ सी इज़ में 64 तो एन कितना हो जाएगा किस एन की वैल्यू पर बात हो रही है यहाँ पर सिक्सटी फोर को अगर मैं यहाँ पर प्लग करूँ दिस इज़ सिक्सटी फोर इंटू सिक्सटी थ्री जगह बनाते हैं सिक्सटी फोर इंटू सिक्सटी थ्री इक्वल्स टू सेवन एन स्क्वायर अगर मैं सेवन से काटूँ तो दिस इज़ गोइंग टू गिव मी नाइन एन इज़ एन स्क्वायर अगर ये है तो एन हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ दिस इधर से आएगा एट और इधर से आएगा थ्री एन आ गया मेरा ट्वेंटी फोर यानी कि एन की वैल्यू ट्वेंटी फोर पर कहानी जमनी चाहिए एन क्यू आर ट्वेंटी फोर पर बात बननी चाहिए लेट्स ट्राई दिस लेट्स पुट एन इक्वल टू ट्वेंटी फोर लेट्स सी वट वी गेट हमें मिलना चाहिए एक्स इज़ एट ना तो एट का डबल 16, सिक्सटीन का स्क्वायर हमें मिलना चाहिए टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स इफ़ ऑल और कैलकुलेशन आर राइट एंड टू फिफ्टी सिक्स इज़ द परफेक्ट स्क्वायर सो दिस शुड गिव मी टू फिफ्टी सिक्स फॉर एन इक्व टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर डालते हैं इसमें थोड़ी सी जगह बनाते हैं ऊपर ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फोर ये हो जाएगा 28 एट इंटू ट्वेंटी फोर स्क्वायेर प्लस वन का स्क्वायर रूट टू प्लस वन मैं खुद नहीं करने वाला आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ कैलकुलेटर ठीक है लेट्स डू दिस 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर पता है 576 होता है बट व्हाई नॉट टाइम्स 28 एट सोलह हजार समथिंग प्लस वन आई होप दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर इसका रूट लेने वाला हूँ मैं इट इज़ इसका स्क्वेयर रूट इज वन ट्वेंटी सेवन इसका डबल करते हैं टू टाइम्स दिस इज टू फिफ्टी फोर इसमें टू ऐड करते हैं एंड वी गेट टू फिफ्टी सिक्स सो दिस इज एन इंटीजर एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ वट इट सेज इफ दिस इज एन इंटीजर देन इट इज अ स्क्वायर सो सो दैट्स इट वे डन रिवाइज करें एक मिनट के लिए फटाफट लेट्स डू दिस हमने बोला कि भाई देखो ये मेरा इंटीजर है इसके लिए इसके स्क्वेर रूट को परफेक्ट स्क्वेयर रूट के अंदर वाली चीज को परफेक्ट स्क्वेयर होना होगा हाउ कैन वी यूज़ दिस उसको यूज़ करने के लिए हमने सोचा चलो मान लेते हैं दिस इज एन इंटीजर एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग तो इसको पहले ए माना थोड़ा रीअरेंज किया पता लगा ए एवन है फिर रीअरेंज किया थोड़ा फिर पता लगा जो ए है जो एक्वल्स टू टू भी था वो बी बी इज़ ऑल्सो इवन सो उसको सी माना दिस इज वेयर वी गॉट दिस इज वॉट वी गॉट सी सी माइनस वन यहाँ पर को प्राइमरा लॉजिक लगाया हमने कहा भाई देखो बंटवारा होगा सेवन एन स्क्वायेयर का तो कैसे होगा बंटवारा नॉट नन ऑफ देम कैन बी जस्ट सेवन बिकॉज़ सेवन के अगल बगल में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सो so, हमने कहा इस एन स्क्वायर को तोड़ते हैं इसके अंदर कुछ निकल रहा है एन स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर यहाँ पर देखो एन हमारा हो जाएगा ट्वेंटी फोर स्क्वायर सो एट स्क्वायर टाइम्स थ्री स्क्वायर समथिंग लाइक दैट तो इसको तोड़ा अब इसको कैसे बांटें सी uh, को क्या दें सेवन टाइम्स एक्स स्क्वायर दें कि सेवन टाइम्स वाई स्क्वायर दें दोनों चेक कर लिया हमने तो so, सी को जब हमने सेवन टाइम्स स्क्वायर दिया इट डिड नॉट वर्क सी को जब तुमने सेवन स्क्वायर दिया हाँ एक तरफ सेवन स्क्वायर है दूसरा वाई स्क्वायर है दिस डिड नॉट वर्क द लार्जर नंबर कैन नॉट बी सेवन एक्स तो हमने कहा ठीक है लार्जर नंबर शुड बी एक्स स्क्वायर शुड बी जस्ट अ स्क्वायर एंड छोटा नंबर शुड बी सेवन वाई स्क्वायर यहीं पर हमने कहानी रोक ली हमने कहा यहाँ पर रुक के सोचते हैं इफ सी इज़ एक्स देन बी इज़ टू एक्सक्र ए इज़ फोर एक्स स्क्वायर दिस मीन ए इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर विच वी विच इज़ वॉट वी वॉन्ट इड दैन इट इज़ अ स्क्र बट हमने कहा कोई बात नहीं सेटिसफैक्शन के लिए वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं इसको देखा ये वाली इक्वेशन वैल्यूज प्लग इन वगैरह की एंड वी फाउंड आउट दैट एक्स इक्वल टू एट और वाई इक्वल टू थ्री पे ये सॉल्व हो रहा है एंड दिस इज इट दिस इज वेलकम वेलकम टू सीजन सिक्स सी यून द नेक्स्ट एपिसोड ऐसे अच्छे अच्छे नौ और क्वेश्चन हैं दिस इज हाउ आई वॉन्टेड दिस सीजन टू बिगेन Uh, जानबूझ के चीज़ें मिटाई नहीं है बिकॉज सबलिमिनल मैसेज देना चाह रहा हूँ इस गुगे में से जिस नॉट सबलिमिनल एनी मोर ठीक है कूल सी यून द नेक्स्ट एपिसोड बाई